हेलो स्टूडेंट, माय सर मोहम्मद शहजादे सर। टुडे वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से इसको पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले जो स्टडी करके रखे हुए इकोनॉमी इकोनॉमिक्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ आर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर आई टोल्ड यू बोथ आर डिफरेंसेज ऑल्सो एंड डिफिनेशन ऑल्सो एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ और सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर इसमें हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। अब जो है जो बात हो रही है वो होगी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। एग्जैक्टली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या, पहले इकोनॉमी के ऊपर समझते हैं। हमने क्या बताया था, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारे अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जब हम डील करते हैं कि कौन सी सिचुएशन कौन से चीज़ को हम पहले सेलेक्ट करें और कौन किस चीज़ को बात करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक कहते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है इसको समझ लीजिए। उसको जानने के लिए इसका एक और भी नाम है क्या, वाई इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेटेड या फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। आज हम बात करेंगे वी हैव डैट ह्यूमन वांट्स। हमारे पास जो है ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, लिमिटेड, बट हमारे ह्यूमन वांट आर लिमिटेड बट रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर वांट्स आर लिमिटेड। मगर हमारी रिसोर्सेज होते हैं उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस और उसका कई जगह पे यूज़ भी होता है। सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज विच इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पास 300 रुपये है, वो मार्केट में जाता है, उसको 500 चीज़ें लेनी है और पांचों चीज़ों की जो प्राइस है 100 रुपये है और उसको टोटल उसकी पांचों चीज़ को अगर ख़रीदता है वो तो 500 रुपये देना पड़ेगा और पैसे उसके पास सिर्फ कितने हैं 300 रुपये। तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कैसे, पैसे हैं कम, सामान लेने हैं ज़्यादा, मेरे पास जमान की सामान को जो ज़रूरी है वो है मेरे पास जो है 500 रुपये का और मेरे पास पैसे सिर्फ 300 रुपये। तो ये जो सिचुएशन आई इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। और साथ ही साथ तो वो क्या करता है, वो पर्सन तुरंत जो है, ऐसा तो है नहीं कि पाँचों सामान नहीं मिला तो वो नहीं लेगा, वो सबसे पहले देखे कि इन पांचों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है। तो पहले ए वाला ज़रूरी था उसने ले लिया, बी वाला ज़रूरी था उसने ले लिया, सी और डी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये कहता है कि सी और डी के सामान को मैं कुछ दिन बाद खरीद लूँगा जब पैसे आ जाएंगे और फिर मैं सी ई वाला सामान ले लेता हूँ। तो 300 रुपये में 3 सामान लेकर वो चला जाता है, बाकी जो 2 सामान होंगे उसको बाद में लेगा, यानी कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके वांट जो है अनलिमिटेड है। तो ये जो सिचुएशन आती है इसी को कहते हैं इकोनॉमी प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड मगर पैसे हैं कम, यानी ज़रिया है कम, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, जो रिसोर्सेज हैं जो ज़रिया है उसका कई जगह पे इस्तेमाल करना है। जैसे 200 रुपये, तो 200 रुपये में हम किताब भी खरीद सकते हैं, फीस भी दे सकते हैं, कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं, खा भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो ये क्या है, इन 200 रुपये का कई जगह इस्तेमाल है। और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, इस सिचुएशन को हम लोग क्या करते कहते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इकोनॉमी प्रॉब्लम की वजह से जो है ये 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इन 4 वजहों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। अब पूरे के पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो मेन सोर्सेज है, मेन मसला है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक टीचर हूँ और मैंने जो है मुझे जो है गर्मी की छुट्टियों में मैं फ्री हूँ और गर्मी की छुट्टियों में मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि लाइए बुक लिखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, तो बुक लिखते हैं। अब बुक लिखने में हम ये सोचेंगे कि मेरे पास 1.5 महीने के वक्त है, 2 महीने का वक्त है, 1.5-2 महीने के वक्त में टाइम में मैं कौन से बुक लिखूं जो है अच्छे तरीके से मैं लिख सकूं, आराम से वो पब्लिश भी हो जाए और बच्चों को वो मिल भी जाए और साथ ही साथ उस बुक की पूरे का पूरा मैटर बच्चों को समझ में आए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं, हम यानी हम कौन सी बुक लिखें, ठीक है। दूसरा होगा हाउ टू प्रोड्यूस, मैं कैसे बुक लिखूं, मतलब टाइपराइटर से लिखूं, कंप्यूटर से बैठ के लिखूं, कि हाथों से बैठ के मैनुअली लिखूं या टाइपिंग करवाऊं, तो ये हाउ टू प्रोड्यूस। और फिर फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए,
नाइन्थ क्लास के लिए, टेंथ क्लास के लिए, अलेवन क्लास के लिए, ट्वेल्थ क्लास के लिए, बीकॉम के लिए, एमबीए किसके लिए बुक मैं लिखूँ। तो ये जो सिचुएशन जो दिखाई देती है इसी को कहते हैं क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट, आर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ध्यान समझिएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है या रिसोर्सेज के फीचर्स क्या होते हैं, या तो ये पूछा जाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है, तो ये तो तीनों के आंसर सेम आते हैं, समझे स्टूडेंट। सबसे पहले रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्यों, आप चाहे यूएसए हो या यूके हो या किसी भी कंट्री में आप रहते हो या जो है वहाँ पे सर्वाइव करते हो, उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर पानी की भी अगर नीड है उनको, तो भी उनके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज, लिमिटेड ही वाटर है जिसको वो क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। हमारी इच्छा अनलिमिटेड होती है, काश मेरे पास साइकिल होती, जब साइकिल होगी तो काश मेरे पास बाइक होती, बाइक होगी काश मेरे पास कार होता, तो ये क्या है, ये हमारे वॉन्ट्स हैं, लगातार वो फुलफिल नहीं हो सकते। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसे स्कैर्सिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप विंटर में सनलाइट की नीड होती है आपको, ठीक है ना, तो सनलाइट क्या विंटर में पूरा मिलता है, नहीं ना, कमी हो रही है ना, तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने की क्या क्या वजह होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ प्रॉब्लम होती, वह प्रॉब्लम होती जो हर इकोनॉमी को फेस करनी होती है, अपने रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से, ह्यूमन वॉन्ट्स के अनलिमिटेड होने की वजह से, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से। इसे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग पहले, कैसे हर सोसाइटी के पास लिमिटेड, हमारे पर जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड होते हैं, जिसके चलते जब वह प्रोडक्शन प्रोसेस करता है तो उसे उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। उन प्रॉब्लम को नाम दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड या हर इकोनॉमी को फेस करनी होती है, ओके स्टूडेंट। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमने आपको समझने के लिए डायग्राम बनाया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, अगर हम कोई सेंट्रल प्रॉब्लम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो हम क्या बनाएं, सबसे पहले ये सोचा जाएगा। हमने क्या बताया, गर्मी की छुट्टियों में वक्त मिला तो मैंने क्या सोचा कि लो किताब लिखी, तो कौन सी बुक लिखूं, अकाउंट्स की लिखूं, इकोनॉमिक्स की लिखूं, स्टैटिस्टिक्स की लिखूं कि बिजनेस की लिखूं, ठीक है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब उसमें भी सिलेक्शन ऑफ गुड्स आएंगे, उसमें क्या आएंगे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स आएंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, किस टाइप का मैं बुक लिखूं, व्हाट टू क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में लिखूं, ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ढेर सारी बैग बुकें लिख दिया तो पता चला स्टूडेंट उतने उससे कहीं ज़्यादा आ गए, तो क्या होगा कि हमारी क्वांटिटी तो ख़राब हो गई, मतलब ज़्यादा हो गई ना, तो हर लोगों को तो मिल नहीं पाएगी। इसीलिए व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और व्हाट टू क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। जब ये पता चल जाता है कि हमें क्या बनाना है, फिर हम लोग का एक सवाल आता है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, कैसे, ओके स्टूडेंट। जैसे फॉर एक छोटा सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जैसे कि आजकल COVID-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से हमारे मार्केट में सैनिटाइज़र और मास्क की, ग्लव्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो जब कोई कंपनी ने स्टार्ट किया कि भाई चलो बिस्कुट, पहले वो बनाता था बिस्कुट का, ये कोई मेडिकल जो है दवाइयाँ ही बनाता था, मगर उसकी डिमांड मार्केट में अब नहीं है, क्यों, क्योंकि लोग जो है घर से निकल नहीं रहे, काम काज कर नहीं रहे, तो ज़्यादा बीमार वो पड़ने वाले हैं नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि कंपनी ने सोचा, छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं इसी में, एक सिप्ला कंपनी नाम सुना होगा, मेडिकल की बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी है। तो सिप्ला कंपनी ने सोचा कि मार्केट में सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, तो हम चलो क्या बनाते हैं, सैनिटाइज़र बनाते हैं। तो पहला पता चल गया व्हाट टू प्रोड्यूस, पता चला गया व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, क्या बनाने वाले हैं, सैनिटाइज़र। व्हाट टू क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी बनाएंगे, 1000 पीस, 5000 पीस, 10000 पीस, कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे, पहला। दूसरा होगा हाउ टू प्रोड्यूस, अगर मैं सैनिटाइज़र बना रहा हूँ कैसे बनाऊँगा, मैं जो हूँ मशीनों की हेल्प से बनाऊँ कि लेबर की हेल्प से बनाऊँ, मगर आप तो जानते हैं लॉकडाउन की वजह से जो है हमें वो तो मिलने वाली नहीं लेबर, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मशीनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। तो हाउ टू प्रोड्यूस, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कौन से टेक्निक से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, जहाँ पर लेबर ज़्यादा और टेक्नोलॉजी कम, मशीन कम, और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक में लेबर कम और टेक्नोलॉजी ज़्यादा, यानी मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा,
फिर आएगा फ्रॉम वॉन्ट टू प्रोड्यूस। अगर सैनिटाइजर बना रहे हैं तो किसके लिए बनाए, अमीरों के लिए बनाए गरीबों के लिए, क्योंकि अमीरों के पास तो पैसा है, वो लेने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मगर जो इंसान साबुन भी नहीं खरीद सकता था उसको सैनिटाइजर अगर देंगे 50 रुपये का तो वो ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए फ्रॉम वॉन्ट टू प्रोड्यूस, तो ऐसा प्रोडक्शन मुझे करना है उसके लिए कि जो है पूरे के पूरे लोगों को मिल सके। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और दूसरा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जिसके पास पैसा है उसके लिए बनाए या जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए बनाए, और यहाँ पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जो काम कर रहा है उसके लिए बनाए, जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए बनाए। ठीक है, तो ये हम लोग इस चैप्टर में, इस वाले डिटेल में मैंने आपको बताया इकोनॉमी प्रॉब्लम के बारे में और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पे इसको 3 फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो है ये जो इस लेक्चर के बाद जो हम लोग जो है 4th लेक्चर जो शूट करेंगे उसमें मैं इसको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूँगा।